भारत की प्रसिद्ध कैफे कॉफी डे शॉप के मालिक सिद्धार्थ द्वारा आत्महत्या करने का मामला पूरे देश के कॉरपोरेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल इस बात का है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। उन्होंने जो पत्र लिखा है उस पत्र में ये कहा है कि एक पी का दबाव नहीं झेल पा रहा हूं जो मुझे शेयर वापस खरीदने के लिए फोर्स कर रहा है। यह भी पता चला है कि कैफे कॉफी डे पर 8,034 करोड़ रुपए का बकाया था। अलग अलग फाइनेंस कंपनियों से यह लोन लिया गया था। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके चेयरमैन वीजी सिद्धार्थ कर्ज के संकट में फंस गए थे। उन्हें अपनी आईटी कंपनी माइंड्री में अपनी 20% से ज्यादा हिस्सेदारी एलएनटी को बेचना पड़ी थी और इससे उन्हें लगभग 3,500 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, लेकिन वह सारा पैसा कर्ज चुकाने में चला गया। अब एक और सवाल यह है कि इस कंपनी के पास 11,000 करोड़ की संपत्ति थी और उन्हें मात्र 8,183 करोड़ का कर्ज चुकाना था, तो ऐसी क्या हालात बने कि जिसमें उन्हें आत्महत्या करने का निर्णय लेना पड़ा। सिद्धार्थ द्वारा मात्र 5 लाख रुपए के निवेश के साथ 1996 में कैफे कॉफी डे की शुरुआत की गई थी और इसके बाद उन्होंने लगातार कैफे कॉफी डे को आगे बढ़ाया। कैफे कॉफी डे के साथ ही स्नैक्स, ब्रेवरीज, फ्रेश एंड ग्राउंड कॉफी और अन्य कई उत्पादों की चयन, पैक्ड कॉफी पाउडर, कॉफी उत्पादों का निर्यात, इसके साथ ही लंबे सौदे कॉफी इंडस्ट्री में रिसर्च आदि के लिए भी उनकी कंपनी काम करती थी। आइए अब देखते हैं कि उन्होंने क्यों आत्महत्या की और उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, लंबे समय तक लड़ा, निराश करने के लिए माफी मांगता हूँ, मैं हार मानता हूँ। पत्र में सिद्धार्थ ने लिखा है, 37 साल बाद भी वह एक सही और फायदे वाला बिजनेस मॉडल तैयार नहीं कर सके। जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उन्हें निराश करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं लंबे समय से लड़ रहा था लेकिन आज हार मानता हूँ। मैं एक प्राइवेट इक्विटी लेंडर पार्टनर का दबाव नहीं झेल पा रहा हूँ, इस वजह से हालात के सामने झुकने को मजबूर हो गया। आयकर विभाग के एक पूर्व डीजी प्रताड़ित कर रहे थे। पूर्व डीजी ने शेयर्स को 2 बार अटैच किया जिससे माइंड्री के साथ डील को ब्लॉक किया जा सके और इसके कारण पैसे की कमी हुई। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप मजबूत रहें, एक नए मैनेजमेंट के साथ बिजनेस चलाएं। सारी गलतियों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। कानून को मुझे और सिर्फ मुझे जिम्मेदार ठहराना चाहिए क्योंकि मैंने यह जानकारी सबसे छिपाई परिवार से। मेरा मकसद किसी को धोखा देना या गुमराह करना नहीं था। मैं एक असल एंटरप्रेन्योर साबित हुआ। मैं आशा करता हूं मुझे आप समझेंगे और माफ करेंगे। मैंने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा और उनकी अनुमानित कीमत भी इस सूची के साथ लगाई है। कुल मिलाकर सवाल इस बात का है कि कैफे कॉफी डे को इतनी अधिक ऊंचाई पर पहुंचाने वाले सिद्धार्थ द्वारा आत्महत्या करने का ही निर्णय क्यों लिया गया। क्या वे जिंदा रहकर इन तमाम हालातों का सामना नहीं कर सकते थे और उनकी आत्महत्या ने यह भी साबित किया है कि इतनी अधिक ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी ऐसी परिस्थिति में आत्महत्या का निर्णय ले लेता है, जबकि उन्होंने जिस साहस के साथ अपने बिजनेस को विस्तार दिया था और कैफे कॉफी डे नाम का एक ब्रांड भारत में स्थापित किया, उसकी मिसाल मिलना बेहद मुश्किल है। इतने बड़े व्यवसायी के लिए क्या आत्महत्या का निर्णय सही कहा जा सकता है और इससे आने वाले समय में आज की पीढ़ी को क्या शिक्षा मिलेगी। कुल मिलाकर यह पूरा मामला बेहद संदिग्ध हो गया है कि आखिर उन्होंने इस तरह का निर्णय क्यों लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कैफे कॉफी डे में 25 रुपए से कॉफ़ी की शुरुआत होती थी और उसके बाद लगातार उसके भाव बढ़ते ही चले जा रहे थे। ऐसे में यह कैसे संभव है कि इतना अधिक कंपनी के ऊपर कर्जा था। कैफे कॉफी डे युवाओं की पहली पसंद बन गया था। वहाँ बैठकर युवा बातें भी करते थे, कॉफ़ी भी पीते थे और कई कार्यक्रम भी वहाँ हुआ करते थे। कुल मिलाकर यह पूरा मामला बेहद ही चर्चा का विषय बना हुआ है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।